आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता पर होली मिलन मुशायरा। जनपद शामली कांदला मोहल्ला मौलानान में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रखते हुए होली मिलन मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में जी न्यूज इंडिया के पत्रकार अख्तर कुरैशी को फूल माला डालकर व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कांदला मोहल्ला मौलानान में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन हाजी वाजिद हसन ने शमा जलाकर रोशनी की। पूर्व सभासद जितेंद्र ने फीता काटकर मुशायरे का आरंभ किया। अध्यक्षता हाजी अयूब ठेकेदार ने की। निजामत शायर गुलजार, दिल्ली, मुरादाबाद, देवबंद, किराना आदि शहरों के शायरों ने मुशायरे में अपनी शायरी व गजलों से महफिल की रौनक बढ़ा दी। दर्शकों ने वहां वहीं की एक महिला शायरा ने अपनी गजलों व शायरी से शमा बांधा। कांदला के शायर इरफान पेंटर ने भी अपनी कलाम पेश किए। मुशायरे के आयोजक जुनेद अख्तर ने सभी शायरों का इस्तकबाल व शुक्रिया अदा किया। किसी ने मुझको तमाशा बीते मोर के आशिक है। आपका नाम सर? ये क्या प्रोग्राम हो रहा है आज? होली मिलन और क्या नाम जो है संवाद के वहाँ पर आप लोगों को मनोरंजन करने के लिए मुशायरा किया गया, और मतलब क्या आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश है। कौन कौन शायर आए हैं? दिल्ली आ रहे बरेली से बैठे। सर आपका नाम? मेरा नाम जुनेद अख्तर है। हम लोग पिछले 10 सालों से एहसान दानिश की याद में नारंग मुशायरा करा रहे हैं। एहसान दानिश शायर मजदूर थे जो हमारे कांधला में पैदा हुए और मजदूरी के सिलसिले में ही पाकिस्तान मुंतकिल हुए। वहाँ उन्होंने अपना मुताला जारी रखा और इस मैार के शायर बने कि पाकिस्तान ने उनको इम्तियाज पाकिस्तान अवार्ड दिया, जैसा हिंदुस्तान भारत रत्न होता है। तो हम उनको बड़ा फख्र करते हैं, उनकी याद में मुशायरा करते हैं। कौन कौन शायर आए हैं बाहर से? बाहर से दूरदर्शन से हमारे सीनियर शायर सारी हाजी साहब हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से शायर हमारे यहाँ आते हैं। देवबंदी साहब, दानिश अयूबी साहब, फरीद एहसास साहब, पूरे इंडिया से हमारे यहाँ। धन्यवाद सर। आपका नाम? खालिद आजमी। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आप शायर हैं? जी। आज यहाँ आपको कांधला में आकर कैसा लग रहा है? देखिए कांधला में जो काम हुआ एहसान दानिश फाउंडेशन ने किया है, दो नजरिए से बहुत अहम। एक तो आज शायरी मजदूर एहसान दानिश को याद किया है और उनके नाम पे मुझे फख्र है कि एहसान दानिश के इस सिलसिले का पहला अवार्ड उस जैसे खादसार को यानी खालिद आजमी को दिया गया और शायरी मजदूर को दूसरी बार ये होली का नाम दिया गया था कि होली के अवसर पर, और होली का मतलब है खुशी बांटना, और मुशायरे के जरिए आज हम देश का एक अहम त्यौहार होली की मुबारकबाद भी, होली की खुशियां भी मना रहे हैं। और ऐसे मुशायरे होते रहने चाहिए, इससे जो है हमारी सामाजिक और देश की एकता बढ़ती है। धन्यवाद सर।